इस वक्त की एक वड्डी अपडेट, कच्चे मुलाजमान की रेगुलाइजेशन तरक्कियां अते पत्ते बहाल करवाउण दे लई डीटीएफ दे वल्लों किता जा रहा है सरकार दे खिलाफ वड्डा संघर्ष। हाँ जी, डीटीएफ दे वल्लों वड्डे संघर्ष दा ऐलान किता गया है। बीते दिन डेमोक्रेटिव टीचर फ्रंट पंजाब दे आगुआ ने प्रेस बयान जारी करदिया दसिया कि उन्हां दी 30 दिसंबर 2022 नूं सिक्ख्या मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस दे नाल इक पैनल मीटिंग होई सी, जिस दौरान उन्हां दे वल्लों पिछले 11 सालां तों पेंडिंग पए ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग अध्यापकां दे रेगुलर ऑर्डर जारी करन दा भरोसा दित्ता गया सी। उन्हां कहा कि प्रशिक्षण मंत्री अते पंजाब दे मुख मंत्री दे वल्लों हुण तक इन्हां मुलाजमां नूं रेगुलर ऑर्डर जारी नहीं किते गए, जिस कारण इन्हां मुलाजमां दे विच काफ़ी निराशा है, क्योंकि मान सरकार दे वल्लों मुलाजम वर्ग दे नाल कई वादे किते गए सी जो कि हुण सिर्फ लारे साबित हो रहे हैं, जिस कारण मुलाजमां नूं वड्डा संघर्ष उलीकना पिया। इस दौरान DTF आगुआ ने ऐलान किया कि ODL अध्यापकां दे पेंडिंग रेगुलर ऑर्डर जारी करवाउण, हर काडर की निरंतर तरक्कियां करवाउण, पेंडू पत्ते समेत रोके हुए होर पत्ते बहाल करवाउण, अध्यापकां दीआं बदलियां संबंधी समस्यावां दे हल कढ़न अते होर अध्यापकां दीआं मंगां नूं लेके 23 अप्रैल 2023 नूं मुख मंत्री पंजाब दे हलके संगरूर विखे साडे वल्लों इक रोस रैली कढ़ी जाएगी। हाँ जी, इह सी साडी अज दी इक वड्डी अपडेट। जे तुहानूं इह अपडेट वधिया लगी होई, वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। इदां दी ही ताज़ा अपडेट्स देखण लई साडे नाल बने रहियो ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लियो।